Welcome. So let us start. In the last week, we start a new chapter that is nothing but the human interface devices. जो हमारा last week था उसमें हमने नए एक chapter को start किया था और वो कौन सा था? Human interface devices. This is the last chapter in your unit 2. Unit 2 का ये last chapter है हमारा. बाद में हम unit 3 start करने वाले हैं जो कि इतना बड़ा नहीं है unit 3. It's a very small. ठीक है. In the last week, we discussed about the first human interface device that is called as the keyboard. Yeah, there are the many human interface devices in your mobile phone. Usme se jo first one tha, humne start kiya tha, that is nothing but the keyboard. Jaise jaise mobile phone ke andar inventions hote gaye, development hoti gayi hai, usi tarah se there are the different types of varieties of keyboards. There are the different types of keyboards. Available in the mobile phones. We are using in the mobile phones. तीन type के major keyboards जो है कि mobile phone के अंदर use हुए गए हैं अब तक. और जो in recent in the today's world the most popular type of keyboard is the touchpad or touch screen. क्योंकि आजकल के जो smartphones है उसके अंदर जो भी keyboards use हो रहे हैं that is nothing but the टच स्क्रीन वाले. उसको हम ये जो मिडल वाला है दैट इज कॉल्ड एज द टच पैड भी बोल सकते हैं या फिर टच स्क्रीन कीबोर्ड भी बोल सकते हैं. अभी फिलहाल स्मार्टफोन्स के अंदर इसी टाइप के कीबोर्ड्स का क्या होता है, यूज़ होता है. लेकिन इसके पहले और दो टाइप के कीबोर्ड्स का यूज़ होता था. वन इज़ द टैक्टिकल कीबोर्ड एंड सेकेंड वन इज़ द क्वालिटी कीबोर्ड. मतलब ये तीन टाइप के कीबोर्ड्स को हमें देखना है. पूरे कीबोर्ड मोबाइल कीबोर्ड्स के जो भी टॉपिक है यहाँ पे तो उसके अंदर हम तीन टाइप के कीबोर्ड को स्टडी करेंगे. लेकिन उसके पहले हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कीबोर्ड्स के बारे में कि व्हाट इज़ कीबोर्ड, कीबोर्ड्स के विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र क्या अलाउ करता है कीबोर्ड यूज़र टू सेंड द इंफॉर्मेशन, टू सेंड द कमांड टू द मोबाइल फ़ोन. उसके बाद कौन कौन सी ऐसी नीड्स होती है यूज़र की जो कि कीबोर्ड के थ्रू क्या होती है, फुलफिल होती है. कौन कौन सी चीज़ें ऐसा कि कीबोर्ड करता है, तो पहले क्या करता है, आप गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, देन मैसेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ फाइल आपको बनानी है उसके लिए भी यू कैन क्रिएट द फाइल्स यूजिंग द कीबोर्ड. मैसेज सेंड करना है तो उसको आपको मैसेज टाइप करना होता है. और दीज आर द मेनी पर्पजेस फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन कीबोर्ड्स. ये इंट्रोडक्शन हमने लिखा था, सारे के सारे पॉइंट्स लिखे थे और इसके कुछ फंक्शंस थे. उस फंक्शंस को भी हमने क्या किया था, कवर अप किया था. याद तक हुआ था हमारा फंक्शंस तक, फंक्शंस ऑफ मोबाइल फोन मोबाइल कीबोर्ड. देखो आप केस में देखो नोटबुक के अंदर वी कवर और नॉट ये फंक्शंस हुए थे क्या हमारे. यस गोविंद गोपाल यस वैष्णवी हमारे कवर हुए थे क्या. यस सर शर्मागल से. हाँ यस ये फंक्शंस हुए थे ना हमारे लास्ट लेक्चर में. नहीं सर मोबाइल कीबोर्ड फक्त थे अन्य तीन पॉइंट. नहीं सर ये फंक्शंस नहीं हुए हमारे ना. नहीं सर ये सिर्फ तीन पॉइंट हुए थे हमारे. देखो अभी जो स्क्रीन पे है लास्ट पॉइंट क्या था, गेमिंग मैसेजिंग एंड क्रिएशन का था, का क्रिएशन ऑफ फाइल्स. यस सर यस सर ओके दिस इज द बेसिक. हां ये इंट्रोडक्शन था. अभी हम इसके कुछ फंक्शंस जो नहीं हुए थे ठीक है, मुझे लगा कि हमने फंक्शंस को कवर किया था लेकिन कोई बात नहीं. हम यहाँ पे फंक्शंस पहले कवर करते हैं, देन वी स्टार्ट द टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. जो कि मैंने बार बार आपको बोला है लास्ट टू लेक्चर्स में कि देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स जो कि मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ होते हैं. उन तीनों टाइप को हमें देखना है बाद में. लेकिन उसके पहले जो इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा मोबाइल कीबोर्ड का, उसके बाद उसके कुछ फंक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं, देन वी स्टार्ट द टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. ओके सो लेट अस राइट डाउन द हेडिंग हियर. मोबाइल इंट्रोडक्शन में ये हेडिंग डालना है आपको, फंक्शंस ऑफ मोबाइल कीबोर्ड. तो एक एक फंक्शंस को लिखते जाएंगे और साथ में उसको डिस्कस भी करेंगे कि क्या फंक्शन है आपके मोबाइल फोन का, सॉरी मोबाइल कीबोर्ड का. तो राइट डाउन अपने हेडिंग लिखना है फंक्शंस ऑफ मोबाइल कीबोर्ड. फंक्शंस ऑफ मोबाइल कीबोर्ड राइट डाउन द फर्स्ट फंक्शन हियर. पहला फंक्शन क्या है, अ मोबाइल कीबोर्ड इज एन, अ मोबाइल कीबोर्ड इज एन अ इनपुट डिवाइस
अ मोबाइल कीबोर्ड इज एन अ इनपुट डिवाइस. इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू यूज डॉक्यूमेंट. इट इज यूज्ड टू यूज डॉक्यूमेंट कॉमा प्ले गेम. यूज डॉक्यूमेंट कॉमा प्ले गेम कॉमा परफॉर्म फंक्शंस. परफॉर्म फंक्शंस कॉमा एक्सेसिंग शॉर्टकट कीज. एक्सेसिंग शॉर्टकट कीज एंड कैरी आउट. एंड कैरी आउट द अदर टास्क. एंड कैरी आउट द अदर टास्क वाइल यूजिंग द मोबाइल. एंड कैरी आउट द अदर टास्क वाइल यूजिंग द मोबाइल. वाइल यूजिंग द मोबाइल फुल स्टॉप. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ यूर मोबाइल फोन. अगर आप कई पॉइंट्स लिख के हुए हो तो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट हियर. इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन. मोबाइल फोन क्या है, मोबाइल फोन कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज नथिंग बट द इनपुट डिवाइस. आपका मोबाइल फोन का कीबोर्ड कंसिडर करो या फिर आपके मॉनिटर का या फिर लैपटॉप का कोई भी कीबोर्ड कंसिडर करते हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनपुट डिवाइस बिकॉज ऑलवेज वी गिव द इनपुट थ्रू द कीबोर्ड. कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं, हम कुछ इनपुट दे देते हैं, फिर वो कमांड्स के फॉर्म में हो, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो. तो ये मोबाइल पहला फंक्शन क्या बोलता है यहाँ पे, कि जो मोबाइल का कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस है और किस लिए यूज करते हैं हम. इट इज यूज टू यूज डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट को यूज करना है, आपको गेम्स प्ले करने हैं, खेलना है गेम को, या फिर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि परफॉर्म करने हैं, या फिर थ्रू द कीबोर्ड किसी शॉर्टकट कीज को भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी अलग अलग टास्क होती है जो कि हम क्या करते हैं कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ योर कीबोर्ड. इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन. इसमें समझने मतलब डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं, आपने पॉइंट्स भी पढ़ा तो दिस इज द सिंपल फंक्शन. एज अ इनपुट डिवाइस वो क्या करते हैं या अलग अलग काम करता है. राइट ऑन द सेकेंड वन हियर. राइट ऑन द सेकेंड फंक्शन पैटर्न. The mobile keyboard is highly portable. The mobile keyboard is highly portable keyboard. The mobile keyboard is highly portable keyboard. The mobile keyboard is highly portable keyboard. That may fold up and roll up. That may fold up and roll up. That may fold up and roll up when it not in use. When it not in use. When it not in use. So it can be carry easily. So it can be carry easily. So it can be carry easily. Full stop. Dekho, it's a very interesting function of your mobile keyboard. Second one. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, योर मोबाइल फोन कीबोर्ड इज हाईली पोर्टेबल. देखो हाईली पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है कि मतलब देर आर द मेनी थिंग्स दैट इज अ पोर्टेबल, बट मोबाइल फोन कीबोर्ड जो होते हैं इसको हाईली पोर्टेबल इसलिए बोला गया है कि जैसे आपका मोबाइल फोन कीबोर्ड का काम हो जाता है, यू कैन उसको रोल अप कर सकते हैं या फिर फोल्ड अप कर सकते हैं, मतलब इसका यूज करना छोड़ देते हैं और यू कैन ईजिली कैरी इट. हाँ, मोबाइल फोन कीबोर्ड से अलग से आपको साथ में रखने की जरूरत नहीं है. That is a inbuilt in your mobile phone. You can carry easily. This is the second function.
अगर उसका यूज नहीं है तो यू कैन उसको फोल्ड अप या रोल अप करके इजीली कैरी कर सकते हैं। राइट ऑन द थर्ड वन, द कीबोर्ड यूज इन मोबाइल्स द कीबोर्ड्स यूज इन मोबाइल्स चेंज्ड डे बाय डे, चेंज्ड डे बाय डे, चेंज्ड डे बाय डे, दैट इज द लास्ट फंक्शन इज जो मोबाइल फोन के कीबोर्ड्स है उसमें इन्वेंशन होता आ रहा है डे बाय डे, और इसकी वजह से क्या है इसका यूज या फिर इसका शेप साइज इसमें आने वाली फंक्शनलिटी है कि डे बाय डे क्या हो रही है यहाँ पे चेंज होती रह रही। ओके, दिस इज द थर्ड फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस फंक्शन, इट्स वेरी सिंपल। ये मोबाइल फोन के कीबोर्ड से कि हर दिन क्या हो रहे हैं चेंज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन योर मोबाइल्स, जो भी एडवांस फीचर्स आ रहे हैं मोबाइल फोन के अंदर, इसकी वजह से कीबोर्ड में भी क्या हो रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं। सबके क्लियर है ये फंक्शंस? इफ यू आर क्लियर प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, इफ यू आर नॉट क्लियर ऑल्सो टाइप इन द चैट बॉक्स। सबके अगर फंक्शन क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में अपने कमेंट्स कर दो प्लीज, आई वॉन्ट एवरी वन्स कमेंट हियर। यस ऑल ऑफ यू 35 स्टूडेंट्स, सबके कमेंट चाहिए। ओके यस, वेरी गुड, सबके क्लियर है फंक्शन। नाउ वी स्टार्ट हियर द टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। नाउ यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ मोबाइल कीबोर्ड। राइट ऑन द हेडिंग, ऑलरेडी डिस्कस, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मोबाइल कीबोर्ड्स, उसको देखेंगे इन डिटेल, पहले उसको इन लिस्ट कर लेते हैं। सो राइट ऑन द हेडिंग, टाइप्स ऑफ मोबाइल कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ मोबाइल कीबोर्ड। सब हेडिंग लिखना है टाइप्स ऑफ मोबाइल कीबोर्ड्स, उसमें एक लाइन लिख लो, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मोबाइल कीबोर्ड्स, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मोबाइल कीबोर्ड, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मोबाइल कीबोर्ड। राइट ऑन द फर्स्ट वन, टैक्टिकल कीबोर्ड, फर्स्ट टाइप इज टैक्टिकल कीबोर्ड, जो पहला टाइप है कीबोर्ड का उसको बोलते हैं हम टैक्टिकल कीबोर्ड, जो कि मोबाइल फोन के अंदर सबसे पहले आए थे। देन सेकंड इज टच स्क्रीन कीबोर्ड, ये जो कीबोर्ड है अभी भी ज्यादा यूज होने वाले कीबोर्ड ही है टच स्क्रीन कीबोर्ड। एंड थर्ड टाइप राइट डाउन, क्वालिटी कीबोर्ड। दीज आर द बेसिक बेसिक या फिर देर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ योर कीबोर्ड। ये तीन टाइप के जो कीबोर्ड है जो कि आपके मोबाइल फोन में अब तक यूज हुए हैं या फिर यूज होते हैं, वन इज द टैक्टिकल कीबोर्ड, सेकंड वन इज द टच स्क्रीन कीबोर्ड, एंड थर्ड वन इज द क्वालिटी कीबोर्ड। अब इसको कीपैड भी बोल सकते हैं, मतलब टैक्टिकल कीपैड या फिर टैक्टिकल कीबोर्ड, या फिर इस तरह से आप उसको आप बोल सकते हैं टच स्क्रीन कीबोर्ड या फिर टच स्क्रीन कीपैड, या फिर क्वालिटी कीबोर्ड या क्वालिटी कीपैड।
कीबोर्ड को क्या बोल सकते हैं आप, कीपैड भी बोल सकते हैं. सो डोंट कंफ्यूज यू, जब भी अगर कीपैड लिखा है तो दैट इज नथिंग बट द कीबोर्ड. ऐसा आ गया शॉर्ट नोट, टैक्टिकल कीपैड, इतना ही दे दिया आपको शॉर्ट नोट के लिए. तो आपने क्या कंसिडर करना है, ये क्या है, टैक्टिकल कीबोर्ड के बारे में पूछा है और हमें टैक्टिकल कीबोर्ड के बारे में ही सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं उस क्वेश्चन के अंदर. ओके क्लियर ऑल ऑफ यू? सो लेट अस वन बाय वन, अभी हम एक एक टाइप को इन डिटेल देख लेंगे यहाँ पे. सो राइट ऑन द फर्स्ट वन, राइट ऑन द हेडिंग टैक्टिकल कीबोर्ड. सबने यहाँ पे अभी हेडिंग लिखना है टैक्टिकल कीबोर्ड. इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको लिखेंगे और बहुत इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट्स लिख लेंगे, साथ में डिस्कस भी करेंगे. सो राइट डाउन द फर्स्ट वन. पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे, टैक्टिकल कीबोर्ड के अंदर लिखना है आपको फर्स्ट पॉइंट. द टैक्टिकल कीबोर्ड्स आर, द टैक्टिकल कीबोर्ड्स आर, द टैक्टिकल कीबोर्ड्स आर प्रोबेबली प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीबोर्ड्स. प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीबोर्ड्स. The most common type of keyboards, and they are associated with, and they are associated with, and they are associated with two old phones, and they are associated with two old phones. मतलब जो पुराने मोबाइल फोन्स थे जिसके अंदर ये इस टाइप के कीबोर्ड्स क्या होते थे, यूज होते थे, टैक्टिकल कीबोर्ड्स. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीबोर्ड. एक कॉमन टाइप के कीबोर्ड थे जो कि जो पुराने मोबाइल फोन्स यूज होते थे उसके अंदर इस टाइप के कीबोर्ड्स का क्या होता था, यूज होता था, टैक्टिकल कीबोर्ड्स का. और ये कीबोर्ड के टाइप में एक बहुत ही बेसिक सा बेसिक कॉमन टाइप है आपके कीबोर्ड का. राइट ऑन द सेकंड सेकेंड पॉइंट, द टैक्टिकल कीबोर्ड्स, द टैक्टिकल कीबोर्ड्स यूजुअली कंसिस्ट, द टैक्टिकल कीबोर्ड्स यूजुअली कंसिस्ट, द टैक्टिकल कीबोर्ड्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फोर रोज, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फोर रोज, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फोर रोज ऑफ थ्री बटन्स ईच, ऑफ थ्री बटन्स ईच, फुल स्टॉप. यहाँ पे ध्यान दो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टैक्टिकल कीबोर्ड्स के अंदर की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है, सबने ध्यान देना है यहाँ पे. अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तो आपको आराम से टैक्टिकल कीबोर्ड के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे. देखो ये जो पुराने मोबाइल फोन्स में यूज होने वाला जो कीबोर्ड था वो था टैक्टिकल कीबोर्ड, और इट्स अ कॉमन टाइप है, वो भी कॉमन टाइप है आपके कीबोर्ड का. इस टैक्टिकल कीबोर्ड के अंदर किस तरह से होते हैं, इसके अंदर बताया गया है कि नॉर्मली ये जो टैक्टिकल कीबोर्ड है, नॉर्मली यूजली इसके अंदर फोर रोज होते हैं. देर आर द फोर रोज, मतलब कीबोर्ड का अगर आप देखेंगे तो कितने सारे रोज है, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर का कीबोर्ड देखेंगे तो इसमें छः रोज होते हैं, नॉर्मली छः रोज होते हैं. तो वैसे ही टैक्टिकल कीबोर्ड के अंदर कितने रोज होंगे, देर आर द फोर रोज होते, टोटल चार रोज होंगे. मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगा बाद में, लेकिन इसके अंदर कितने रोज होंगे, फोर रोज होंगे. और हर एक रोज के अंदर कितने बटन्स होते हैं, देर आर द थ्री बटन्स. मतलब आपका टैक्टिकल कीबोर्ड को अगर आप इमेजिन करेंगे यहाँ पे तो इस कीबोर्ड के अंदर चार रोज होंगे और हर एक रोज के अंदर तीन ही बटन्स होंगे. इट्स यूजुअली ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऐसे होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो टैक्टिकल कीबोर्ड्स के अंदर कीबोर्ड्स होते हैं इसके अंदर ये होता है, उसमें चार रोज होते हैं और हर एक रोज के अंदर तीन बटन्स होते हैं. गॉट इट? राइट ऑन द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या बताता है देखते हैं.
द फर्स्ट थ्री रोज ईच हैविंग द फर्स्ट थ्री रोज ईच हैविंग ईच हैविंग द नंबर असाइन द नंबर असाइन टू ईच बटन द नंबर असाइन टू ईच बटन फुल स्टॉप. अभी इसमें तो चार रोज होते हैं और हर एक रोज के अंदर तीन बटन होते हैं, ये तो पता चला था हमें. लेकिन इसमें क्या है, जो ऊपर वाले स्टार्टिंग वाले जो तीन रोज है, इसके अंदर हर एक रोज के अंदर या फिर हर एक बटन के अंदर क्या होंगे, नंबर्स होंगे या फिर कुछ साइंस हो सकते हैं. देयर आर द इच हैविंग द नंबर्स असाइन टू ईच बटन, मतलब हर एक बटन के ऊपर क्या होंगे, नंबर्स होंगे. मतलब आपको पता है कि नंबर्स 0 to 9 होते हैं, बराबर है. और 0 to 9 के लिए हमें कितने रोज लगेंगे, क्योंकि हर एक रोज के अंदर देयर आर द थ्री बटन. तो 0 to 9 नंबर्स आपको डालने उस बटन के ऊपर, तो आपको कितने रोज लगेंगे, फर्स्ट थ्री रोज. तो फर्स्ट थ्री रोज के ऊपर क्या होंगे, आपके नंबर्स असाइन किए गए होंगे 0 to 9 वाले. मतलब स्टार्टिंग 0 से होगा ऐसा नहीं है, उसका जो प्रॉपर सिक्वेंस होता है उस सिक्वेंस में वो अरेंज होते हैं नंबर्स. लेकिन 0 to 9 नंबर्स होंगे आपके फर्स्ट थ्री रोज के अंदर, मतलब नंबर्स ऊपर तीन में ही होंगे. और उसके अंदर आपके कुछ साइंस भी होते हैं, लेकिन बेसिकली हमें नंबर्स थोड़े से बड़े फॉन्ट में दिखाई देते हैं. तो क्या है कीबोर्ड किस तरह से, देखो टैक्टिकल कीबोर्ड चार रोज है, हर एक रोज के अंदर तीन बटन्स है, उसमें से जो ऊपर वाले तीन रोज है उसके अंदर और उसके ऊपर नंबर्स है. राइट ऑन द लास्ट पॉइंट हियर. अभी लास्ट के रो में क्या छुपा है, ठीक है, तीन रोज में तो पता चल गया क्या है. राइट डाउन इन द लास्ट रो, इन द लास्ट रो द मिडल बटन बीइंग असाइन, द मिडल बटन बीइंग असाइन टू जीरो, उन्होंने फर्स्ट थ्री में जीरो ना डाल के लास्ट में डाला है, हमें लगा था कि शुरू में होगा. इन द लास्ट रो, इन द लास्ट रो द मिडल बटन बीइंग असाइन्ड टू जीरो, जो लास्ट का रो है उसमें से जो मिडल वाला है, क्योंकि तीन ही बटन है हर एक रो के अंदर, जो सेंटर वाला बटन होगा वहां पे आपका जीरो होगा. इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले जो तीन रोज थे तो उसके अंदर 0 to 9 ना होके 1 to 9 ही वहाँ पे सिर्फ नंबर्स. जीरो को कहाँ पे डाला इन्होंने, जो लास्ट वाली रो है उसके जो सेंटर बटन है वहाँ पे जीरो को उन्होंने पुट कर दिया. ओके, क्योंकि 0 to 9 कितने हो रहे हैं नंबर, 10 हो रहे हैं ना, हाउ मेनी हो रहे हैं 0 to 9. This is the last point. Now the next point here. अभी सेंटर वाला जो बटन है वहां पे तो जीरो है, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट बटन पे क्या है, जो लास्ट वाला रो है. तो देखो उसके लेफ्ट साइड में है स्टार और राइट साइड में है हैश. तो राइट ऑन दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट लिखो वहां पे, द बटन ऑन द लेफ्ट साइड, द बटन ऑन द लेफ्ट साइड स्टार, उसको हम एस्ट्रिक भी बोलते हैं. द बटन ऑन द लेफ्ट साइड स्टार एंड राइट साइड हैश, हैश का सिंबल लिखना है, स्टार का सिंबल लिखना है आपको, ऑफ द जीरो बटन, ऑफ द जीरो बटन आर द एस्ट्रिक कीज. इसको एस्ट्रिक कीज बोला जाता है आपके स्टार को या फिर हैश को, और स्टार को एस्ट्रिक साइन बोला जाता है. तो देखो जो लास्ट का रो है टैक्टिकल कीबोर्ड के अंदर, उसके मिडल में आपका जीरो होगा, उसके लेफ्ट साइड में आपका स्टार सिंबल होगा और राइट साइड में आपका हैश होगा. इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट. एंड राइट डाउन द लास्ट वन हियर. इन दिस कीबोर्ड, इन दिस कीबोर्ड In this keyboard,
द फर्स्ट बटन इज यूजुअली यूज इन दिस कीबोर्ड. द फर्स्ट बटन इज यूजुअली यूज फॉर डायल वॉइस कॉल. एक बटन इसमें जो होगा एकदम ऊपर. इन दिस कीबोर्ड द फर्स्ट बटन इज यूजुअली यूज फॉर डायल वॉइस कॉल एंड सेकेंड बटन इज यूज एंड सेकेंड बटन इज यूज फॉर एंड वॉइस कॉल. फॉर एंड वॉइस कॉल एंड सेकेंड बटन इज यूज फॉर एंड वॉइस कॉल. देखो नॉर्मली हर एक मोबाइल फोन के अंदर जो कीबोर्ड्स होते हैं वहाँ पे एक आपका डायल बटन होता है और एक कट करने का बटन होता है, उसको एंड कॉल के लिए यूज होता है. तो ये दो बटन्स आपके मोबाइल फोन के अंदर होंगे, कीबोर्ड के अंदर मोबाइल फोन के, जो कि टैक्टिकल कीबोर्ड है. दिस ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग टू योर टैक्टिकल कीबोर्ड. सो राइट डाउन द नाउ द ड्रॉ द डायग्राम. ये डायग्राम आपको कंसिडर करनी है अभी. ये पेंसिल से ड्रॉ की गई है डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे अभी बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो पेज पे ड्रॉ करके आपको उसका इमेज बना के आपको यहाँ पे हाईलाइट की गई है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक डायग्राम मुझे नहीं मिल रही थी आपको शो करने के लिए. तो वो डायग्राम बना दी गई है. तो आपको इसी तरह से क्या करना है, इसकी डायग्राम में भी ड्रॉ करनी है. दिस इज़ अ टैक्टिकल कीबोर्ड डायग्राम. तो ये कीबोर्ड है ये, जो कि आपको क्या करना है आपके इसी पॉइंट के अंदर आपको बनाना है. देखो तो इसके अंदर आप गौर से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाले दो बटन है, दिस बटन इज यूज टू द डायल वॉइस कॉल एंड दिस बटन इज यूज टू एंड वॉइस कॉल. देन देखो यहाँ पे फोर रोज है, 1, 2, 3 एंड 4. जैसे कि टैक्टिकल कीबोर्ड के अंदर नॉर्मली क्या होते हैं, फोर रोज होते हैं और हर एक रो के अंदर देर आर द 3 बटन्स, 1, 2, 3. हर एक रो के अंदर कितने बटन्स है, देर आर द ओनली द 3 बटन्स. देखो जीरो को तो हमने क्या किया था कि लास्ट के रो के मिडल में क्या होता है, मिडल बटन में जीरो होता है. तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो फर्स्ट 3 रो में क्या हो गए आपके 1, 2, 9 जो नंबर्स थे वो बैठ गए. और इसके अंदर आपके अल्फाबेट्स भी है, ठीक है. इसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मैंने सीक्वेंस ऑर्डर में रख दिया है तो इसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं कि नंबर 1 ही है जो पहले इसके सॉरी फर्स्ट बटन पे 1 आए, सेकंड बटन पे 2 आए, ऐसा नहीं है. इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है नंबर्स का. लेकिन ध्यान में क्या रखना है आपको कि हर एक रो के अंदर 3 बटन्स हैं और पहले 3 रोज के अंदर आपके नंबर्स होते हैं. और जो बचा है लास्ट का रो यहाँ पे, इसका लास्ट रो के सेंटर वाला जो बटन है, मिडल वाला बटन है, वहाँ पे 0 होगा और उसके लेफ्ट में आपका स्टार है और राइट में आपका हैश है. सारे के सारे पॉइंट्स इस डायग्राम के अंदर हमारे कवर हो चुके हैं. तो अभी आपको आराम से इस कीबोर्ड को यहाँ पे आपको आपके नोटबुक के अंदर इसको ड्रॉ करना है. टेक योर ओन टाइम और जैसे आपका डायग्राम हो जाए तो मुझे चार्ट बॉक्स के अंदर बता दो. इसी तरह से पेंसिल की हेल्प से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है. हेलो सर, याच्यामध्ये ते मेनू बटन, ओके बटन आणि बॅक बटन नाही ना. मेनू बटन जो है ऊपर वाला है, देखो ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दिस वन, यहाँ पे मेरा रेड पॉइंटर है देखो, तो वहां पे आपका मेनू बटन है. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मेनू बटन है आपका, उससे आपके मेनू ओपन हो जाएंगे. और इसको यहाँ पे नीचे के साइड में दबाते हैं तो नीचे ऊपर हो जाएगा मेनू. और ये राइट और लेफ्ट किसके लिए होते हैं, आपके वॉइस के लिए, आवाज बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए, नीचे ऊपर के मेनूज में शिफ्ट होने के लिए, अप डाउन राइट लेफ्ट. तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हो. सेंटर में दबाएंगे तो आपका मेनू बटन ओपन हो जाएगा. तो इसके पॉइंट्स नहीं लिखने हैं हमें, क्योंकि हमें सिर्फ कीबोर्ड के पॉइंट्स लिखने हैं. क्या लिखना है, कीबोर्ड के बारे में लिखना है. तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, इसी के यही पॉइंट्स लिखे आप, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मोबाइल कीबोर्ड. टेक योर ओन टाइम एंड ड्रॉ इट नाइसली.
यस गोविंद का हो गया है, बाकी बच्चों का होने दो। गोविंद ठीक से ड्रॉ करो इसको, ऐसे कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। जिस तरह से मैंने आपको पीपीटी के ऊपर डायग्राम दिखाई है वो मैंने खुद ड्रॉ करके आपको आपको शो की है, तो उतनी मेहनत आपको भी लेनी है। मुझसे अच्छा आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का उतना प्रैक्टिस नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों का प्रैक्टिस है। यस मनीष का हुआ, सुरुचि, दिव्या, बाकी का भी होने दो। वी वेट 1 मिनट। यस ऑलमोस्ट सबका हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू। अभी आप क्या करो, अभी आपके पास डायग्राम है और आपके पास टैक्टिकल कीबोर्ड के पॉइंट्स भी हैं, तो अभी आपको डायग्राम को देख के उसके जो पॉइंट्स हैं कीबोर्ड के बारे में जो लिखे हमने टैक्टिकल कीबोर्ड के बारे में, सारे पॉइंट्स को 2 मिनट में पढ़ लो बच्चों। सिर्फ 2 मिनट में क्या करो, इसको अच्छे से एक बार पढ़ो और सामने डायग्राम देख के पढ़ो, तो क्या हो जाएगी, सारे के सारे पॉइंट जो टैक्टिकल कीबोर्ड के थे आपके ध्यान में रहेंगे। तब तो बाद में एग्जाम में इसके पॉइंट्स आपको बाद में पढ़ के भी जाने की जरूरत नहीं, तो इजीली पॉइंट से आप डायग्राम बना सकते हैं या फिर डायग्राम से पॉइंट्स लिख सकते हैं। कुछ भी एक ध्यान में रखो, डायग्राम ध्यान में रहते ही तो डायग्राम से आपके आपको सारे पॉइंट्स बनाने हैं, या फिर पॉइंट्स ध्यान में रहते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। प्लीज रीड आउट विद इन 2 मिनट्स और कंपेयर करके आपको डायग्राम के साथ उसको पढ़ना है सबको। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन पढ़ो 2 मिनट। अगर आपके सबके पॉइंट्स अभी ये क्लियर हैं तो प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स। मतलब टैक्टिकल कीबोर्ड अगर आपको समझ में आ गया होगा क्या है, कि सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपके सब लोग क्लियर हैं, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स। इफ़ यू हैव अ डाउट और नो डाउट प्लीज़ टाइप एवरीवन। इसलिए मैंने आपको पढ़ने को बोला था पॉइंट्स। आई वॉन्ट्स एवरीवन्स कमेंट हियर, सबके कमेंट चाहिए रिगार्डिंग टू द टैक्टिकल कीबोर्ड, जो कि पहला टाइप था आपके मोबाइल कीबोर्ड्स का। अभी इसमें 2 पॉइंट्स और बचे हैं, इसके कमेंट करो सब। अभी इसके अंदर जो पॉइंट अभी और 2 टाइप बचे हैं कीबोर्ड्स के, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे क्या करना है, आपको एक अनाउंसमेंट करनी है कि हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हर एक वीक में हम लोग आप लोगों को क्या करेंगे, वीकली असाइनमेंट देंगे। गॉट इट? तो वीकली असाइनमेंट आपको मुझे देने हैं, तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट को। चैप्टर 1 से हमें क्या करना है, आप लोगों को असाइनमेंट्स देने हैं। तो आज मैं क्या करूँगा, आपको एक वीकली असाइनमेंट क्या करूँगा, पोस्ट करूँगा आज। आज ही मैं फर्स्ट चैप्टर के ऑन द बेसिस, जो फर्स्ट चैप्टर नहीं है हमारा, फर्स्ट यूनिट ही है, तो यूनिट 1 के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा, जो कि आपको किस तरह से लिखने हैं वो ध्यान देना है। आपको रूलिंग पेज लेने हैं असाइनमेंट लिखने के लिए, जो लेते हैं आप लोग स्टेशनरी से। रूलिंग पेज के ऊपर आपको उस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर अच्छे से लिखने हैं, फिर बाद में उसको स्कैन करके अपलोड करना है। और जो रूलिंग पेज पे आपने जो असाइनमेंट्स लिखी है उसको पंच करके एक फाइल में आपको जमा कर देना है, और वो फाइल मुझे बाद में जब कॉलेज स्टार्ट होंगे बिफोर द प्रैक्टिकल्स
वो फाइल आपको मुझे सबमिट करनी है हार्ड कॉपी के फॉर्म में वो फाइल, और सॉफ्ट कॉपी में तो आप उसको अपलोड करने ही वाले, विद इन टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट दिया जाएगा आपको उस टाइम लिमिट में उसको अपलोड करना है, और उसी पेजेस को आपको फाइल में पंच करके अच्छे से रखना है उन असाइनमेंट को। इस तरह से हम क्या करने वाले, अभी रेगुलर डेली जो असाइनमेंट होती थी आपको, जो मैंने पॉइंट्स लिख के दिए उसको अपलोड करना था, तो वो नहीं करना है अभी आपको। आपको वीक में एक ही असाइनमेंट क्या करनी है, अपलोड करनी है। और मैं कोशिश इस तरह से करूँगा कि मैं असाइनमेंट आपको इस तरह से दूँ कि उस चैप्टर के अंदर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट मतलब जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसी तरह से मैं क्या करूँगा आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर वो असाइनमेंट अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर टाइप में असाइनमेंट होंगे, तो आप उसको पढ़ेंगे भी तो आपको एग्जाम में आसानी हो जाएगी। तो असाइनमेंट्स को सीरियसली ले लो, तो असाइनमेंट से मार्क्स आपके काउंट होते हैं बाद में। तो सबने सीरियस होके असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, अपलोड करनी है, और जो पेजेस पे आपने असाइनमेंट लिखी है वो पेजेस आपको पंच करके फाइल में रखने हैं। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि असाइनमेंट जब लिखेंगे आप तो स्टेशनरी से पेजेस खरीद के उसके ऊपर असाइनमेंट कंप्लीट करो। क्लियर है सबको ये इंस्ट्रक्शंस? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम यस असाइनमेंट के अंदर? यस, तो इस तरह से मैं आज पोस्ट कर दूंगा इस वीक के असाइनमेंट, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट के ऊपर डिपेंड होगी। तो फर्स्ट यूनिट के ऊपर हम एक या दो असाइनमेंट बना सकते हैं, क्योंकि यूनिट बड़ा है। अभी आपका लेक्चर, हाँ अभी आपका लेक्चर का टाइम हो गया है नेक्स्ट, तो थैंक यू वेरी मच, इनफ फॉर टुडे। बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। के लिए टाइम लिमिट क्या होंगे? टाइम लिमिट दे देंगे, अभी ज़्यादा ही होगा टाइम लिमिट, मतलब इस वीक में मैंने पोस्ट कर दिए तो नेक्स्ट वीक तक, मतलब आज शनिवार है, शनिवार के दिन मैंने आपको दे दिए, तो गुरुवार के दिन तक आपने क्या करना है उसको, मतलब बुधवार रात तक क्या करना है उसको कंप्लीट करके अपलोड करना है। नेक्स्ट वीक का जो हमारा पहला लेक्चर होगा उसके पहले आपको उसको अपलोड करना जरूरी है। तो इस तरह से मैं टाइम लिमिट सेट कर दूंगा। ओके, इनफ है उतने दिन, 3-4 डेज आपको मिल जाते हैं, इट्स सफिशियंट। यस सर, क्योंकि ये टाइम इतना क्यों दे रहा हो कि आप असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट करें, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। आप आराम से हर एक दिन एक क्वेश्चन भी लिखा तो भी 3 दिन में आपके 4 दिन में क्वेश्चंस अपलोड हो सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।